हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर में हम सीखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यानी कैसे चालू करते हैं। तो राइट साइड कॉलम में आप देख सकते हैं F4 कॉन्ट्रा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्क्रीन में चालू की हुई है। तो जैसे अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे ये एंट्री आप जो देख रहे हैं वाउचर एंट्री, तो उसमें 200 रुपये भर रहे हैं अपने। तो आप देख रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अकाउंट में लिखा हमने बैंक और पर्टिकुलर में ले लिया कैश। कितना भरना चाहते हैं अपने, 200, 300, 500 जो भी भरना है ये यहाँ पे रख देंगे। तो बैंक में अगर डिपॉजिट करना है तो ये वाउचर हमारा इस तरह से लगेगा। पर एंटर और 200, और जो भी अपना जो बैंक में अगर हम पैसे भरने जाते हैं तो कौन कौन से डोमिनेशंस होते हैं, जैसे 100 के कितने नोट डाले वो सब यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने 100-100 के 2 नोट डाले, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब एंटर किया और यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा बैंक में डिपॉजिट का एंट्री हो गया। अभी सेम प्रोसेस F4 कॉन्ट्रा ही चालू रखते हैं। अगर हमें विड्रॉ करना है, जैसे हमें 100 रुपये विड्रॉ करते हैं अपने, तो विड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स एंट्री यानी क्या करेंगे, अकाउंट में कैश ले लिया और पर्टिकुलर में ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो बैंक में अकाउंट हो वहाँ पर। विड्रॉ यानी बैंक में से निकाल रहे हैं पैसे, तो 100 रुपये निकालते हैं बैंक में से। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट बैलेंस 7700। अभी यहाँ पे 100 लिख के एंटर देता हूँ मैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो 7600 दिख रहा है। बाकी सब बैंक की डिटेल यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो ये बैंक की डिटेल डाल दी, एंटर एंटर एंटर। तो ये हमारा विड्रॉ का एंट्री हो गया। अभी हम यहाँ पे एस्केप करके जाएंगे, फिर इसका रिपोर्ट देखेंगे। डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में गए, यहाँ पे अपने जाएंगे कैश बुक और बैंक बुक। तो कैश बुक में देखे कैश इन हैंड यानी 2200 दिख रही, और बैंक अकाउंट दिख रहा है 7600। तो अभी हम बैंक की एंट्री सीख रहे हैं, तो बैंक का अकाउंट देखेंगे भी क्या पोजीशन है बैंक का। देखिए ये एंटर किया मैंने, सी को 2500 का पेमेंट किया था, कुछ बैंक से चेक दिया था, 10,000 डी ने हमें चेक से दिए थे, 200 रुपये की एंट्री है हमारी डिपॉजिट वाली, यानी हमने 200 डिपॉजिट किए, यानी डेबिट 10,000 और 200 और क्रेडिट हो गए 2500 और 100, यानी 100 रुपये हमने निकाले थे, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे हमें जो भी बैलेंस दिख रहा है, करंट टोटल 10,200 और 2600, कुल मिला के हमारे बैंक के अंदर भी क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 7600। तो ये बैंक का पूरा एंट्री हमने देख लिया। तो बैंक में कैसे एंट्री करेंगे वो हमने देख ली, कहाँ से जाएंगे F4 कॉन्ट्रा करेंगे, वाउचर एंट्री में जाके